नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज की शोड में आप ये बताऊंगा आपको यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे HDFC व्यापार कार्ड का नेट बैंकिंग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, उसको क्रिएट कैसे करना है। आज की शोड में यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको, तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिए, वीडियो सुन रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए, व्यापार कार्ड का यहाँ पे जो नेट बैंकिंग प्रोसेस है थोड़ा अलग है, क्योंकि आप यहाँ पे इसको नेट बैंकिंग में, मतलब जो हम यहाँ पे पर्सनली नेट बैंकिंग यूज करते हैं अकाउंट का, उसमें यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए अलग प्रोसेस है। तो आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कमेंट आया, मैसेज आया कि भाई इसके ऊपर वीडियो अलग से बनाओ, क्योंकि हम लॉगिन वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में वीडियो बना के दे दो। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नेट बैंकिंग के पेज पे आ जाना है। जैसे हम लॉगिन करते हैं अकाउंट का, वैसे ही आपको यहाँ पे आ जाना है। वहाँ पे आने के बाद आपको देखिए दिया गया है लॉगिन टू नेट बैंकिंग, कस्टमर आईडी, यूजर आईडी जो भी रहता है यहाँ पे एंटर करना रहता है। नीचे आपको आना है थोड़ा, यहाँ पे दिया गया डोंट हैव HDFC बैंक अकाउंट, जैसे कि आपका अकाउंट नहीं है, अकाउंट रहेगा भी फिर भी ये आपको ऑप्शन पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया प्रीपेड कार्ड ओनली लॉगिन हेयर, आपको देखिए जो व्यापार कार्ड है वो प्रीपेड कार्ड है, ठीक है, उस पर ही आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, फॉरेक्स कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ये सबके, तो आपको नीचे चले आना है। यहाँ पे देखिए न्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है, स्मार्ट हब व्यापार कार्ड, मिलेनिया कार्ड, ये सबका ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। अब जैसे ही नीचे जाएंगे, देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है HDFC का, यहाँ पे फॉरेक्स कार्ड, गिफ्ट कार्ड प्लस, ई गिफ्ट कार्ड प्लस, व्यापार कार्ड, मिलेनिया कार्ड, मनी प्लस कार्ड, पेट्रो कार्ड, ये सब आपको ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पे ही क्लिक करना है। यही नया ऑप्शन आया है, तो हमारे पास स्मार्ट हब का यहाँ पे व्यापार कार्ड है, उस पे क्लिक कर देंगे। उस पे क्लिक करने के बाद देखिए एक आपको पॉपअप दिखेगा, थोड़ा नीचे जाएंगे तो उस पे ओके कर देना है आपको, ठीक है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए आपको दिया गया है HDFC बैंक प्रीपेड कार्ड व्यू ऑल कार्ड्स, यहाँ पे दिया गया है यूजर आईडी, कार्ड नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करने के लिए दिया जाएगा। अब देखिए यूजर आईडी या पासवर्ड यहाँ पे, इसी में हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। अब इसमें करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो हम यहाँ पे यूजर आईडी की जगह कार्ड नंबर डाल देंगे, जो प्रीपेड कार्ड का नंबर है आपका, व्यापार कार्ड का नंबर है वो एंटर कर देना है। लेकिन यहाँ पे पासवर्ड क्या डाले, क्योंकि इसमें फॉरगेट का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। फॉरगेट पासवर्ड अगर हम करेंगे तो इसमें यूजर आईडी मांग रहा है, तो वो हमारे पास है ही नहीं, कार्ड नंबर से हो ही नहीं रहा, तो ये सब यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे दिया गया यूजर आईडी, यूज कार्ड नंबर और प्रोवाइड इन किट, पासवर्ड जो है, पासवर्ड देखिए दिया गया है, अगर फर्स्ट टाइम है, जैसे इसमें दिया गया अगर आप फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो पासवर्ड है इसका, आपको एक किट मिला होगा, जैसे कि ATM किट आपको दिया गया था, जैसा अभी आपने देखा होगा पिछले वीडियो मैंने यहाँ पे बताया था, उसमें ATM किट दिया गया था, उसी में यहाँ पे पासवर्ड भी है और ATM पिन किट भी, नंबर भी है, तो आप चाहे तो देख लेना। तो फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए जैसे ही आपको यहाँ पे देखिए वो देख लेना है, उसमें ही नंबर दोनों ही दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कार्ड नंबर वही एंटर करना है, पासवर्ड उसमें से देख के एंटर कर देना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिया जाएगा यूजर आईडी, आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको यूजर आईडी रखना है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसका आंसर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना, पासवर्ड जो भी इंटर आपको रखना है, जो भी रखना है एंटर कर देना, फिर कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यूजर आईडी यहाँ पे कम से कम 8 डिजिट का रहना चाहिए, ठीक है। 8 डिजिट का आप यहाँ पे यूजर आईडी रख लीजिए, जो भी आपको रखना है वो रख लीजिए और सब कुछ आप फिलअप कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आपका यहाँ पे जो प्रीपेड कार्ड है एक्टिवेट हो गया सक्सेसफुली। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब तो आप यूजर आईडी बना लिए हैं, तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको एंटर कर देना है, जो भी आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया वो एंटर करना है। उसके बाद आपको आएगा यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कन्फर्म करने के लिए, सही है तो यस करिए, नहीं सही है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। हमारा तो सही है तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, अकाउंट एक्टिवेट, ये सब का आप यहाँ पे पूरा ट्रैक कर सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे मनी है, अकाउंट समरी है, लोड करना है लोड कर सकते हैं, कार्ड नंबर यहाँ पे एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है वो सब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब पूरा एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जो भी आपको करना हो यहाँ पे, चेक करना हो बैलेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, लोड वगैरह जो भी करना हो आसानी से आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। पूरा मतलब एक्सेस जो प्रीपेड कार्ड का एक्सेस है आपको यहीं से करना पड़ेगा। देखिए व्यापार कार्ड के ऊपर मैंने पहले से भी वीडियो बना दिया है, आप चाहिए तो आई बटन पे देख सकते हैं उसका अनबॉक्सिंग और यहाँ पे
कार्ड कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है ये सब मैंने पहले से भी बता दिया है। ये कार्ड से मैंने इसलिए वीडियो बनाया था क्योंकि मैंने एजेंट से बात किया था बैंक में, तो उनके तरफ से ये बोला गया जिनको भी यहाँ पे प्री अप्रूव ऑफर नहीं मिल रहा है जैसे लोन और क्रेडिट कार्ड, तो इस कार्ड को यूज करेंगे तब जाके आपको यहाँ पे प्री अप्रूव ऑफर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये प्रीपेड कार्ड है, प्रीपेड कार्ड में आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से यहाँ पे एड मनी कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आप एचडीएफसी के एटीएम से निकाल भी सकते हैं। एचडीएफसी के किसी भी एटीएम से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, जीरो चार्जेस है, लेकिन अदर एटीएम से निकालते हैं तो कुछ चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो पूरा वीडियो आप देख लेना, उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना दिया, आप वहाँ पर देख लीजिए, पूरा प्रोसेस के साथ मैंने बता दिया है। तो आज की वीडियो में यहाँ पे पूरा कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे बता दिया हूँ कैसे यहाँ पे आपको करना है, पिन कैसे बनाना है, पिन आप यहाँ पे पिन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पिन भी चाहे तो पिन भी चेंज कर सकते हैं, आसानी से आप यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है पिन चेंज करने का, तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सब कुछ मतलब यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिया गया चेंज एटीएम पिन, तो चेंज एटीएम पिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। अकाउंट वाले सेक्शन में जाना है, चेंज एटीएम पिन का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करके आप अपना पिन भी चेंज कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे मेरे हिसाब से बता दिया हूँ, अगर कुछ छूट गया है या कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना या हमारे इंस्टाग्राम आई डी पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना, ऐसा कमेंट करके बताया जा रहा है, देखिए ये नया सर्विस है बैंक की तरफ से, यहाँ पे कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं, ठीक है, उसको सॉल्व किया जा रहा है क्योंकि अभी नया है। ऐसा भी है, बहुत जन ये बोल रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के सिवा, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के सिवा अभी दूसरा कार्ड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से एड मनी नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसा मैं बोल रहा हूँ अभी नया सर्विस है, कुछ दिन पहले एड मनी भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ इश्यूस आ रहे हैं तो वो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, मतलब एक दो दिन, तीन चार दिन, दस दिन जो भी है यहाँ पे उस पर वर्क चल रहा है, उसके बाद सब आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे किसी भी क्रेडिट कार्ड से एड करना, किसी भी डेबिट कार्ड से एड करना, क्योंकि जब ये व्यापार कार्ड बना है, ठीक है, आप ऐसे ही समझ लीजिए व्यापार कार्ड बना है एड मनी करने के लिए, और ये बोला गया है कि आपको प्री अप्रूव लोन और क्रेडिट कार्ड ही दिया जाएगा, तो जब क्रेडिट कार्ड रहेगा ही तो हमको ऑफर कैसे दिया जाएगा, तो थोड़ा इश्यूज चल रहा है, वो सही हो जाएगा, तब तक के लिए वेट करिए। तो पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता दिया, अगर इससे रिलेटेड जो भी रहे जरूर पूछ लेना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।